गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, घर में आने वाला है कोई गेस्ट और समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाए इंस्टेंटली। सो ऐसे में बनाई है मलाई की ये इतनी डिलीशियस और टेस्टी सब्जी कि खाते ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे और पनीर भी लगेगा इसके सामने एकदम फीका। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। सो इसको बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक बड़े साइज का प्याज, आधा शिमला मिर्च मैंने लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। और मैंने सभी वेजिटेबल्स को ज़्यादा छोटा कट नहीं किया है, थोड़ा बड़ा ही चॉप किया है। उसके बाद एक पैन लेंगे और पैन हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं ले सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 तेज़पत्ता, साथ ही साथ 2 लौंग मैंने ऐड की हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पिंच हींग, 1/2 टेबल स्पून जीरा, और जीरा हमारा चटकने लगा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली। अगर आपकी जो ग्रीन चिली है यानी हरी मिर्च तीखी है तो आप इसको ऑयल में ऐड कर दीजिए, इससे उसका जो तीखापन है वो कम हो जाता है। और साथ ही साथ मैंने ऐड कर दिया है इसमें लहसुन, और उसको चला लेंगे और हल्का सा भून लेंगे, इससे जो इसका तीखापन है वो भी कम हो जाएगा और लहसुन भी अच्छे से भून जाएगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, और आप देख सकते हो मैंने प्याज को लंबा ही काटा है, आप चाहे तो उसको छोटा भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम इंस्टेंटली सब्जी बना रहे हैं तो मैंने इसमें लंबा ही प्याज यूज किया है। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें सिर्फ इसको गोल्डन ब्राउन करना है, और गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको थोड़ा चलाते रहना है। और आप देख सकते हो हमारी प्याज रेडी है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च डालने के बाद भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है आपको इन दोनों सब्जियों को, सिर्फ हल्का ही गोल्डन ब्राउन होने देना है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपने ड्राई मसाले, और ड्राई मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से चला लीजिए और मसालों को भून लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको मसाला अच्छे से आपको अपने मसालों को भून लेना है। और इस टाइम पे एक बात ज़रूर याद रखनी है कि आपको अपनी गैस की जो फ्लेम है उसको मीडियम ही रखना है, उसको ज़्यादा हाई नहीं रखना है। इससे क्या है कि आपके मसाले अच्छे से भुन नहीं पाएंगे और वो जल जाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को आपको लो टू मीडियम ही रखना है, और टमाटर को भी हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, हमें थोड़ा खड़ा ही रखना है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है मलाई। मैंने यहाँ 1 कप मलाई ली है, आप चाहे तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ ये सब्जी, इसलिए मैंने 1 कप मलाई ली है। आप चाहे तो अगर आपके घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। सो गाइस, मलाई डालने के बाद आपको इसको फ्लेम को लो करने के साथ ही साथ कंटिन्यू स्टिर भी करते रहना है आपको। और अब आप देख सकते हो बबल्स आ गए, यानी हमारी जो मलाई है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। और अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, और इसको भी आप अपनी सब्जी में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और साथ ही साथ मैंने इसमें यहाँ पे ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। सो गाइस, यहाँ हमारी सब्जी बनकर रेडी है। कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।